बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके साथ बहुत अच्छी रेसिपी शेयर करूँगी, जो है स्टीम एग पुडिंग। इसके लिए मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून शुगर के लिए हैं और इसको मैं ड्राई पैन पे ही कैरामल बनाऊँगी। बस हमने नॉर्मल टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको कैरामल बनाना है। अब ये देखें, इस तरह से कैरामल बनना शुरू हो गया है। बस इसका एक अच्छा सा गोल्डन सा मैंने कलर दे देना है और फिर ये डन है। अब ये कैरामल बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आपने जौन से भी बर्तन के अंदर स्टीम एग पुडिंग बनानी है, आप उस बर्तन की बेस के अंदर ये कैरामल सारा पोर कर दें और सारा इवनली स्प्रेड कर दें। अब मैंने सेपरेट से एक पैन के अंदर पानी डाल के इसको बॉईल होने रख देना है ताकि अच्छी सी एक स्टीम रेडी हो जाए। अब मैंने एक ब्लेंडर के अंदर तकरीबन 2 कप मिल्क के लिए हैं और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 3 एग्स लिए हैं। मिल्क मैंने कोल्ड टेम्परेचर का नहीं लेना है, ना ही हॉट टेम्परेचर का लेना है, ल्यूक वार्म से टेम्परेचर का मिल्क लेना है। और 3 एग शामिल कर लिए हैं और इसके अंदर मैंने 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस डाला है, तकरीबन 1/2 कप मैंने शुगर ऐड की है और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। मिक्सचर अच्छे से ब्लेंड हो गया है और यहाँ पर कैरामल भी ठंडा हो गया है। मैंने इस मिक्सचर को सारा स्पैन के अंदर पोर कर देना है। मैंने उस पैन के अंदर एक स्टैंड रखना है ताकि मैं इसके ऊपर ये पैन रख सकूं जिसके अंदर मैंने मिक्सचर ऐड किया है। अब आपने बहुत ही एहतियात से ये पैन इसके अंदर रख के और इसको कवर कर देना है दूसरी प्लेट के साथ ताकि जो स्टीम है वो इसके अंदर ना जाए। हमने प्लेट से अच्छे से कवर कर दिया है और ऊपर से मैंने लिड बंद कर दिया ताकि स्टीम सारी अंदर रहे। अब ये देखें, तकरीबन 20 मिनट बाद ये अच्छे से रेडी हो गया है हमारी पुडिंग। बस मैंने इसके किनारे सेपरेट करके इसको बहुत एहतियात से किसी प्लेट के अंदर निकाल लेना है। बहुत परफेक्ट कंसिस्टेंसी की, बहुत अच्छी सॉफ्ट सी और बहुत मज़े की पुडिंग रेडी हुई है। और ये बहुत इजी रेसिपी है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इतनी यमी डिश बन जाती है। आपको होटल से, कैफ़े से बिल्कुल भी पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं, आप घर में ही बहुत इजी सी ये पुडिंग बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, लाजमी ट्राई कीजिएगा। मुझसे यहाँ पुडिंग हल्की सी क्रैक हो गई थी, लेकिन कोई मसला नहीं, आप इसको कट करके सर्व कर सकते हैं या अगर हल्का सा क्रैक आ भी जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है तो इस तरह से हल्का सा क्रैक आ ही जाता है। तो बस आप इसको एंड पे किसी भी नट्स के साथ डेकोरेट कर लें। मैंने यहाँ पे स्टैचूज के साथ डेकोरेट किया था, बहुत मज़े का फ्लेवर और कलर हो गया था इसका। ट्रस्ट मी, ये बहुत मज़े की बनी है, बच्चों को, बड़ों को, सबको ही बहुत पसंद आएगी, एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए मैं अब आपको इसको कट करके भी दिखाती हूँ कि इसकी क्या सॉफ्टनेस है और क्या इसकी कंसिस्टेंसी है। जब भी इसको सर्व करें और खाएं तो गरम गरम इसके ऊपर सिरप डालें तो बहुत मज़े का लगता है। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत सॉफ्ट है, मुंह में जाते ही ये घुल जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।